अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट आदिल और आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम रेफ्रिजरेटर, डिफ्रीजर और वाटर कूलर के पार्ट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट नंबर 1, 2, 3 और 4 अभी तक नहीं देखा तो इस वीडियो के नीचे दोस्तों मैं आपको उन वीडियोज़ के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वो भी जाकर देख लें ताकि दोस्तों आपको जो है स्टेप बाई स्टेप समझ आती जाए और दोस्तों आपको इससे काफ़ी जो है एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो दोस्तों, आज हम पार्ट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए या इस वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब लिखो मिलेगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है और साथ दोस्तों बेल आइकन भी होगा, आपने उसको भी प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, मेरी जो भी न्यू वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको उसी वक्त मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जी तो दोस्तों, हमारा जो पार्ट नंबर 5 है, कंप्रेसर चलता है लेकिन यूनिट कूलिंग नहीं करता। दोस्तों, अगर आपका कंप्रेसर चल रहा है, चाहे वो रेफ्रिजरेटर का हो गया, वाटर कूलर का हो गया या डिफ्रीजर का है, कंप्रेसर चलता है लेकिन आपकी कूलिंग बिल्कुल भी नहीं है, तो इसके लिए आपने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। बस दफ़ा लोग जो है फ़ौरन गैस चेक कर लेते हैं या ऐसे ही बता देते हैं कस्टमर को गैस नहीं होगी, तो और भी दोस्तों काफ़ी चीज़ें होती हैं जो चेक करनी पड़ती हैं, तो तब ये जो है मसला हल होता है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो पॉइंट नंबर दोस्तों हमारा 1 है, गैस का ना होना। तो सबसे पहले दोस्तों आप गैस लगा कर गैस को चेक करें, गैस का अगर कम है तो उसको फुल कर दें, अगर नहीं है तो उसको सबसे पहले उसकी लीकेज चेक करें, लीकेज को बंद करके फिर आप उसमें गैस जो है इंस्टॉल करें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 2 है, गैस का लो होना। अगर दोस्तों गैस आपकी जो है कम है तो तब भी कूलिंग कम होगी या कूलिंग नहीं होगी, तो इस तरह भी आपने इसको गैस को चेक करना है। अगर कहीं लीकेज है तो लीकेज को सबसे पहले बंद करें, उसके बाद फिर गैस जो है आप उसको फुल करें। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 3 है, रेफ्रिजरेंट का ओवर चार्ज होना। तो जो भी दोस्तों न्यू टेक्नीशियंस होते हैं वो बार दफ़ा गैस को बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं, जिसकी वजह से कंप्रेसर हीट अप होने की वजह से कूलिंग नहीं कर रहा होता बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोस्तों लोड हो जाता है तो इस वजह से भी जो फिर कूलिंग नहीं होती। तो आप दोस्तों गैस को जो है अगर आप R134 यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप जो है 15 से 20 प्रेशर रखें, तो इससे ज़्यादा आपने प्रेशर नहीं रखना। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपने ये भी चीज़ें सारी चेक कर ली हैं तो पॉइंट नंबर हमारा 4 होगा, सिस्टम का चौक होना। बाज़ दफ़ा दोस्तों ऐसा भी होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपकी ठीक भी हैं लेकिन सिस्टम चौक होने की वजह से यूनिट कूलिंग नहीं कर होता, तो इसके लिए दोस्तों आपने क्या करना है, सारे टांके निकालने हैं, उसके बाद आपने अच्छी तरह फ्लशिंग करनी है, चाहे उसमें CTC डाल लें या पेट्रोल डाल लें, तो उसमें दोस्तों आप इसको अच्छी तरह वाश करें, फ्लश करें कंडेंसर को भी, फ्रीज़र को भी, तो उसके बाद दोस्तों फिर आप जो है यूनिट को तैयार कर गैस डाल कर इंस्टॉल करें, तो आपका जो यूनिट है वो कूलिंग करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 5 है, फ्लैपर वाल का ख़राब होना। तो दोस्तों फ्लैपर वाल कंप्रेसर के अंदर होते हैं, वो बाज़ दफ़ा अगर वो भी ख़राब हो जाएँ तो यूनिट कूलिंग नहीं कर होता, क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही बारीक किस्म के वाल, जैसे बारीक वाल होते हैं जिसकी वजह से अगर वो ब्लॉकेज हो जाए तो तब भी कूलिंग होती। तो उसके बाद दोस्तों वाल की लैपिंग करें या कंप्रेसर को चेंज करें, तो आपने दोस्तों कंप्रेसर की रिपेयरिंग करा लेनी है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो पॉइंट नंबर 6 है, कंप्रेसर का कमज़ोर होना। अगर दोस्तों आपके कंप्रेसर की पंपिंग बहुत ज़्यादा लो हो चुकी है, कमज़ोर हो चुकी है, तो तब भी यूनिट कूलिंग नहीं करेगा, तो आपने कंप्रेसर को चेक करना है। अगर उसका प्रेशर दोस्तों 450 या 400 है तो तब ठीक है, अगर इससे बहुत ज़्यादा कम है तो फिर आप कंप्रेसर को चेंज कर दें। यह था दोस्तों पार्ट नंबर 5। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।